आज हम बात करेंगे पछुआ हवाओं के बारे में, क्योंकि पछुआ हवा चलने के कारण जो है प्रदेश में कनकनी एक बार फिर से बढ़ गई है। बिहार में पछुआ हवा का कहर जारी है। प्रदेश में 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल रही है। बता दें कि प्रदेश में गया का जो जिला है वो सबसे ठंडा जिला रहा। यहाँ का पारा 4.6 डिग्री सेल्सियस पे रिकॉर्ड किया गया है, जो कि प्रदेश में अब तक के सबसे कम तापमान वाला जिला रहा। बता दें कि प्रदेश में रात के 8 बजे के बाद से पारा 8 डिग्री से नीचे आ रहा है। इधर मौसम विभाग का कहना है कि अभी शीतलहर के हालात नहीं बन रहे हैं, लेकिन जिस तरह से हवा चल रही है उससे आने वाले 24 घंटे में ठंड बढ़ने के पूरे आसार हैं। हालांकि राजधानी पटना में अभी थोड़ी राहत है, क्योंकि मौसम विभाग ने कहा कि यहाँ का रात का जो पारा है वो इतना नीचे नहीं आ रहा है जितना कि अन्य जिलों में नीचे आ रहा है। पहाड़ी इलाकों से आ रही हवाएं मैदानी क्षेत्र में कहर बरपा रही है। बता दें कि हिमाचल, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड के सर्द पछुआ हवा का प्रवाह हो रहा है। इसकी रफ्तार 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आ रही है। यही कारण है कि बिहार पूरी तरह से ठंड की चपेट में आ गया है। राजधानी पटना समेत प्रदेश में गलन बढ़ने लगी है। प्रदेश के अधिकांश जिलों में सोमवार की सुबह से ही कनकनी बढ़ी हुई है। इधर गया के लोगों को ठंड से काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हमने सबसे ठंडे वाला जो जिला रहा वो गया जिला रहा, और वहाँ का तापमान जो है अब तक के प्रदेश में सबसे कम वहाँ दर्ज किया गया है। वहीं अगर हम बात कर लें प्रदेश में तापमान की बात करें तो गया का तापमान सबसे कम रहा, यहाँ की 4.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं राजधानी पटना की अगर हम बात करें तो यहाँ का तापमान जो है 8.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। भागलपुर का तापमान 10.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि अररिया का तापमान जो है 9.91 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि पूर्णिया का तापमान जो है 6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं औरंगाबाद की बात करें तो यहाँ का तापमान जो है 6.81 डिग्री दर्ज किया गया है। इधर बेगूसराय के तापमान की अगर हम बात कर लें तो 9.71 डिग्री सेल्सियस यहाँ का तापमान दर्ज किया गया है। इधर मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि आने वाले 24 घंटे में कोहरे का प्रभाव बढ़ेगा, यानी कि एक तरह से कह लें कि धुंध वाली जो स्थिति होगी वो देखने को मिलेगी। पिछले अगर हम ठंड की बात कर लें, इसी ठंड की अगर हम बात कर लें तो भले ही कड़ाके की ठंड पड़ रही हो, पछुआ हवा के कारण कनकनी बढ़ी हो, लेकिन अभी कोहरे की स्थिति उस तरह की नहीं है जो कि अमूमन पहले देखा जाता था। लेकिन मौसम विभाग ने साफ तौर पर कहा है कि आने वाले 24 घंटे में कोहरे का प्रभाव जो है वह बढ़ सकता है। अगर तापमान में गिरावट होती है, 60 डिग्री सेल्सियस अगर पूरे प्रदेश का तापमान होगा, तो आपदा प्रबंधन विभाग ने पहले ही कहा है कि हम बच्चों के स्कूल जो है उसे बंद कर देंगे, या फिर जो है सुबह की जो क्लासें हैं उसमें बढ़ोतरी की जा सकती है। एक तरह से कहने आपदा प्रबंधन विभाग ने इसको लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि तो नहीं की है, लेकिन साफ तौर पर कहा है कि अगर तापमान में गिरावट होती है तो जो है स्कूल बंद किए जा सकते हैं। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।